गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साहित्य पुस्तक वसंत भाग एक में से पाठ दो बचपन। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोक्ति जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है और बताती है कि पिछले शताब्दी में पैदा होने के कारण वे अब सयाना महसूस करने लगी हैं तथा सभी उन्हें जीजी कहकर बुलाते हैं। वे बताती हैं कि पहले उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक था, पर अब उम्र बढ़ने के साथ वे हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। वे पहले तरह तरह की पोशाकें पहनती थीं, पर अब वे सादे कपड़े ही पहनती हैं। वे बताती हैं कि बचपन में उन्हें अपने कुछ काम स्वयं करने पड़ते थे, जैसे मोजे धोना, ब्राउन ब्रेड लाना तथा जूते पॉलिश करना। इनमें से जूते पॉलिश करना व मोजे धोने का काम वे इतवार को करती थीं। जूते इतने आरामदायक नहीं हुआ करते थे और लंबे सफ़र के दौरान ही उनके पैरों में छाले हो जाया करते थे, जिस कारण वे छाले होने पर हमेशा रुई जूतों के अंदर डालकर पहनती थीं। उन्हें पेट को ठीक रखने के लिए हर शनिवार को ऑलिव ऑयल व कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जिसकी गंध आते ही उन्हें उल्टी आने लगती थी। आगे उन्होंने अपने व आज के बचपन के समय अंतराल के बारे में बात की है कि समय बदलने के साथ साथ बच्चों के शौक भी बदल गए हैं। ग्रामोफोन की जगह टीवी, रेडियो, कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम, कचौड़ी समोसे की जगह पैटीज, शहतूत व फालसे के शरबत की जगह कोक पेप्सी ने ले ली है। वे अपने बचपन के शिमला व नई दिल्ली में बिताए दिनों को याद करती हैं तथा बैंगर्स और डिवोको रेस्टोरेंट की चॉकलेट व पेस्ट्री का मज़ा भूल नहीं पाती हैं। काफल, पापड़ी, भुने हुए मसालेदार चने, अनारदाना चूर्ण भी उन्हें याद आते हैं। उन्हें शिमला रिट्स के घोड़ों की सवारी, रंग बिरंगे गुब्बारे, जाकू का पहाड़, चर्च की घाटियाँ, चर्च की घंटियाँ, पहाड़ का ढलता सूरज, माल रोड की चमक और स्कैंडल प्लाइट का कोलाहल याद आता है। वे एक दुकान में रखे शिमला कालका ट्रेन मॉडल और बचपन में हवाई जहाज़ दिख जाने पर होने वाली खुशी को भूल नहीं पाती। वे याद करती हैं कि बचपन में जब उन्हें चश्मा लगा तब उनके भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे और आज उन्हें अपना चेहरा बिना चश्मे के खाली खाली लगता है, और अब वे आरामदायक हिमाचली टोपी पहनना बहुत पसंद करती हैं। आज मैंने आपको साहित्य पुस्तक के पाठ दो बचपन कहानी को समझाया है। पाठ का सार मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इस पाठ का सार, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर मैंने नोट्स के द्वारा आप लोगों को भेज दिए हैं। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए आप हिंदी वसंत क्लासिक्स टाइप करके ऑनलाइन बुक्स देख सकते हैं। कहानी का सार आप लोग कॉपी में नहीं करेंगे, सिर्फ शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर ही कॉपी में करेंगे, ठीक है? तो ओके, बाय। कल नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।